दूरबीन कान के ऑपरेशन के फायदे। यस दोस्तों, दूरबीन का जो कान का ऑपरेशन है उससे क्या फायदे हैं, बात करते हैं वीडियो में। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें एंड यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले ऐसे बड़े अच्छे अच्छे वीडियोज का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको मिलता रहे। दोस्तों क्या फायदे हैं दूरबीन से सर्जरी। दोस्तों अगर आपने देखा होगा, विज्ञान के आविष्कार के साथ के अंदर हर चीज में डेवलपमेंट है, हर चीज में एडवांसमेंट है। ऐसे ही सर्जरी में भी अभी क्या है, पेशेंट ये नहीं चाहता कि मैं मैक्सिमम हॉस्पिटल में रुकूं, मेरे को तुरंत मेरी सर्जरी हो, तुरंत काम पे लौटूं, चीरा नहीं लगे, खून का नुकसान नहीं हो, कम दवाई ले लें। इसलिए दूरबीन के आविष्कार जो ऑपरेशन है उसका आविष्कार हुआ। कान का जो ऑपरेशन होता है दो तरीके से होता है, जो कान का पर्दे में जब छेद होता है दोस्तों, तो एक होता है उसका पोस्टोरल होता है, एक होता है दूरबीन से एंडोरल और एंडोस्कोपिक ऑपरेशंस। दोस्तों अमूमन जो ट्रेडिशनल जो है ऑपरेशन, जब दूरबीन नहीं थी, अभी भी बहुत सारे लोग जो कान का ऑपरेशन होता है उसमें कान के पीछे एक चीरा लगता है, क्योंकि ऑपरेशन करने के लिए हमें कान के अंदर तो जाना पड़ेगा, उसमें हमें झांकना पड़ेगा, हमें अंदर देखना पड़ेगा कि हमें कैसे इंस्ट्रूमेंट डालना पड़ेगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट को डालने के दो तरीके हैं, कि हम कान को पीछे से चीरा लगाएं और उसको ओपन करें, ओपन करने के बाद के अंदर सारा ऑपरेशन करें एंड उसको वापस उसमें सूचर कर दिया जाता है, जिसको हम पोस्टोरल मेथड्स बोलते हैं। गॉट इट। दूसरा दोस्तों है कि हम पीछे कहीं चीरा नहीं लगाएं, कान को पीछे से कहीं ओपन नहीं हो एंड हम स्पेकुलम और उसके माध्यम से जो है उसके अंदर डायरेक्ट हम दूरबीन और माइक्रोस्कोप की सहायता से देख के जो भी हमें सर्जरी करनी है, पर्दा लगाना है, वो हमने लगा दिया, तो पीछे कान की चीरा नहीं लगा। अब उससे कितना फायदा हुआ, एक तो आपको जो है वो पीछे चीरा नहीं, कोई निशान नहीं है, आपको उसमें क्या है मेडिकेशंस की नीड नहीं है। एंड सबसे बड़ा फायदा, अगर आप आर्मी एस्पिरेंट हैं, अगर आपको एयरफोर्स में जाना है, अगर आपको बीएसएफ में जाना है, आपको पायलट बनना है, आपको मॉडलिंग करनी है, तो बहुत बार क्या है उसमें स्कारिंग का थोड़ा चांसेस रहता है, वो आपको नहीं होगा एंड यू जस्ट बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस आपको एंड आपको जो है वो आप जल्दी आपकी रिकवरी पीरियड होगी, आपका क्या है उसके अंदर इन्फेक्शन की चांसेस नहीं होगा क्योंकि ओपन नहीं होगा। क्योंकि बहुत बार क्या है ईयर सर्जरी के बाद में क्या होता है कि ईयर पीछे बाल होते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। सो दूरबीन के ऑपरेशन के इतने सारे फायदे हैं, जिससे हमें जो है आगे तुरंत हमारा जो है जो हमारा सर्जरी होता है उसके बाद हमारा जो रिकवरी फास्ट होता है एंड आप ऑफिस और काम पे भी तुरंत जा सकते हैं। सो दी जाता एडवांटेज ऑफ द बेसिकली एंडोस्कोपिक सर्जरी, दूरबीन से कान के ऑपरेशन के फायदे। बट इसमें दोस्तों एक है कि जब हम सर्जरी कराते हैं तो हमें जो है डॉक्टर से पूछ लेना है कि मेरे को दूरबीन से सर्जरी करानी है। अगर डॉक्टर उसमें एग्जामिनेशन की बात देखेगा कि दूरबीन से ऑपरेशन संभव है कि नहीं है। बहुत बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि पेशेंट शुरू में इलाज नहीं कराता है तो जो बीमारी इतनी एक्सटेंसिव हो जाती है कि उसे दूरबीन से निकालना संभव नहीं होता। बट फिर भी आप दोस्त डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर डॉक्टर को अच्छा एक्सपीरियंस है, तजुर्बा है और अगर वो कर सकता है तो काफी हद तक हम कर सकते हैं। बट एक स्टेज ऐसी भी है जहां हम पीछे से ही ओपन करना होता है, क्योंकि उस टाइम पे हमारा सर्जरी करने का उद्देश्य कान का पर्दा लगाना नहीं है, हमारे पेशेंट की जो है गली हुई हड्डी को ठीक करना है, मैस्टोइड सर्जरी करना है, उसकी लाइफ जो है थ्रेटनिंग जो प्रॉब्लम थी उसको ठीक करना है। सो दिस इज द एडवांटेज, दीज आर द एडवांटेज ऑफ द एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी, दूरबीन से स्कारलेस जो ईयर सर्जरी होती है उसके जो फायदे हैं, स्कार नहीं बनेगा, इन्फेक्शन कम होगा, ब्लीडिंग कम होगा, निशान नहीं आएगा, तुरंत हम काम पे लौट पाएंगे। सो दोस्तों अगर आपको कान के अंदर प्रॉब्लम है, कान के पर्दे की प्रॉब्लम है, आपको सर्जरी कराना है, तो जो दूरबीन से जो ईयर सर्जरी करता है, जो एंडोस्कोपिक ईयर सर्जरी करता है, जो आपको एंडोरल टेक्निक से कर सके, आपको तुरंत सर्जन के पता लगा कि उसका अपना ट्रीटमेंट कराना चाहिए, जिससे फायदे आपको बेनिफिट मिल सके। एंड रियली दिस इंफॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल टू यू एंड शेयर टू योर पार्टिकुलरली आर्मी एस्पिरेंट, यंगस्टर्स, मॉडल्स, जिनको ईयर में किसी कारण से प्रॉब्लम है एंड वो आपको उसका इलाज कराने से, पर्दा लगाने से हिचकिचा रहे हैं कि उनको लगता है कि मेरा तो कान कट जाएगा। यस, थैंक यू।